प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन के साथ नोएडा पहुंचे, जहां दोनों ने सैमसंग मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी उनके साथ रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने मून जाए इन के साथ मेट्रो में सफर किया, जहां हाथ हिलाकर उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया था। पिछले साल जून में कंपनी ने घोषणा की थी कि वो 4,915 करोड़ रुपए का निवेश कर नोएडा प्लांट में विस्तार करेगी। फैक्ट्री उद्घाटन और भारत के साथ रिश्तों को मजबूती देने के लिए ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। दक्षिण कोरिया के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए आज पीएम मोदी मून जाए इन के साथ मेट्रो में सफर कर नोएडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विदेशी मेहमान को मंडी हाउस से नोएडा के बोटैनिकल गार्डन तक मेट्रो की सवारी कराई। इसके बाद दोनों ने नोएडा में सैमसंग मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर जोर दिया, साथ ही दक्षिण कोरिया को अपना अच्छा दोस्त भी बताया। नोएडा के सेक्टर 81 में बनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की यह फैक्ट्री करीब 35 एकड़ में फैली है। कहा जा रहा है कि मोबाइल फैक्ट्री खुलने से यहां रोजगार पैदा होने की संभावना है। आपको बता दें कि मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन करने से पहले दोनों नेता गांधी स्मृति भी गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन सुने। डीबी लाइव की रिपोर्ट।